हे दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर और उत्तर प्रदेश स्पेशल का यहाँ पर टेस्ट लगाएंगे। जो बच्चे यहाँ पर नए हैं वो लोग टाइम टेबल नोट कर लें, सुबह 7 बजे, ठीक है, 7 बजे आपको ये वीडियो मिलेगा। 10 बजे आपको मॉडल पेपर जो कि आपके होंगे, आपके GS के होंगे, ठीक है। शाम 5 बजे हिंदी का मॉडल पेपर होता है और रात 9 बजे आपको प्रीवियस ईयर के GS के प्रश्न मिलते हैं, ठीक है। इतने तो आपको फिक्स हैं। और हमारा दूसरा चैनल है ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जिस पर 2020 के करंट अफेयर आपकी कंप्लीट कराई गई है और 2020 के बाद यहां पर करंट अफेयर ये देखने को मिल रही है। और हमारे दूसरे चैनल ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आपको कह सकते हैं मास्टर वीडियो आज सुबह 11 बजे से आपको हिंदी के स्टार्ट हो गए हैं, तो सभी सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे धीरे धीरे करके। तो आप हमारे दूसरे चैनल ऑनलाइन एग्जामिनेशन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका जो करंट अफेयर होगी ये पॉपुलर करंट अफेयर हैं जो अक्टूबर, नवम्बर और दिसंबर की हैं। 2020 की करंट अफेयर अपने दूसरे चैनल ऑनलाइन एग्जामिनेशन में कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न है कि नवंबर 2019 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019 में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा प्रश्न आपका है। और आतंकवाद की श्रेणी में भारत का जो स्थान प्राप्त हुआ है वो 7वां प्राप्त हुआ है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 7वां। तो नंबर ग्रही किसको प्राप्त हुआ है, तो याद रखिए अफगानिस्तान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो 2 पॉइंट याद रखना है, भारत का है 7वां और अफगानिस्तान का है 1वां, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है। 20 और 22 नवंबर 2019 के मध्य दूसरा भारत आसियान इनोटेक्स जो समिति हुई है ये कहाँ पर संपन्न हुई है, तो ये जो संपन्न हुई है आपके ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा, डेवाओ। डेवाओ कहाँ पड़ता है, ये फिलीपींस में पड़ता है। यहाँ पर ये भारत आसियान इनेटोक आपके कह सकते हैं संपन्न हुई है, ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 10 अक्टूबर 2019 को किसने माँ और नवजात शिशु के जीवन की सुरक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क कराने या निःशुल्क करने हेतु सुरक्षित मातृ आश्वासन योजना, कौन सी योजना है, सुरक्षित मातृ आश्वासन योजना जो नाम है सुमन, इसका शुभारंभ किसने किया है। सुरक्षित मातृ आश्वासन योजना सुमन का जो शुभारंभ किया है यह आपके किया है आपके ऑप्शन सी, डॉक्टर हर्षवर्धन ने, ठीक है। किसने किया है, डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया है, जो कि आपके केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये योजना कौन सी है, तो सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना सुमन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कह रहा आपसे कि 10 नवंबर 2019 को केंद्रीय पर्यावरण कम वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को कहां पर नए 2G एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए पर्यावरण संबंधी स्वीकृति प्रदान किया है। तो 2G एथेनॉल संयंत्र है और इसकी स्वीकृति जो प्राप्त हुई है वो आपके पानीपत हरियाणा में, कहां पर, पानीपत हरियाणा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 22 अक्टूबर 2019 को जारी महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है। बहुत ही IMP आपका प्रश्न है, तो याद रखें महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है वो आपके नॉर्वे को प्राप्त हुआ है, ठीक है। ऑप्शन राइट आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 2019 को मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 के कार्यक्रम की घोषणा की, चुनाव परिणाम कब जारी किए गए थे। यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर चुनाव परिणाम कब जारी किए गए, ठीक है, क्योंकि ये पहले का करंट अफेयर है, हम लोग वर्तमान में पढ़ रहे हैं। तो इसका जवाब जो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट 30 का हो जाएगा, बी नंबर, 23 दिसंबर 2019 को इसके चुनाव परिणाम जारी किए गए थे, ठीक है। 23 दिसंबर याद रखिए, 23 दिसंबर, ठीक है। एग्जाम में 21, 22, 23 ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, 23 दिसंबर है। अगला प्रश्न है, 23 अक्टूबर 2019 को जारी की गई मेलबर्न मर्सल ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2019 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है।
तो ये शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है आपके ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, नीदरलैंड को। यहाँ पर मेलबर्न मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में शीर्ष स्थान नीदरलैंड को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, 25 अक्टूबर 2019 को जारी वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बहुत ही प्यारा प्रश्न आपका है। तो वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2019 में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है वो 57वां नंबर का, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, 57वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? शीर्ष स्थान आपके यूएसओ को प्राप्त हुआ है, यूएसए को प्राप्त हुआ है, ठीक है, यूएसए को प्राप्त हुआ है, जो कि वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में, ठीक है, भारत का याद रखना है 57। अगला प्रश्न पूछा गया है, 21 अक्टूबर 2019 को जारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े, जो कि क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2017 के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध सबसे ज़्यादा अपराध के मामले किस राज्य में दर्ज हुए हैं? महिलाओं के अकॉर्डिंग, तो महिलाओं के विरुद्ध सबसे ज़्यादा अपराध जो आपके मिले हैं किस राज्य में? 33 को ऑप्शन राइट, आपका जवाब यहाँ पर आपका जो बी है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं सर्वाधिक मामले महिलाओं के विरुद्ध सबसे ज़्यादा अपराध के दर्ज मिले हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, 17 अक्टूबर 2019 को नीति आयोग द्वारा जारी पहले भारत नवाचार सूचकांक 2019 में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में, देखो ये आपका पॉइंट काफ़ी अच्छा है, क्योंकि पहली आपकी ये सूची है जो कि भारत नवाचार सूचकांक, इसमें से प्रमुख राज्यों की सूची में जो स्थान आपको मिला है, पहला स्थान वो किसे मिला है? तो ये कर्नाटक को मिला है, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, कर्नाटक को मिला है। वहीं पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश को 7वां स्थान मिला है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर, कह रहा है, प्रश्न आपसे कह रहा है कि आसियान संबंधी विभिन्न सम्मेलनों में हिस्सा लेने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 से 4 नवंबर 2019 के मध्य किस देश की यात्रा पर रहे थे? यहाँ पर 13 का ऑप्शन राइट आपको बताना है कि सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 23 को ऑप्शन राइट, यहाँ पर जो हम प्रश्न लेके आए हैं वो आपको निचोड़ लाए हैं, जो जरूरी करंट अफेयर हैं वही आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए जवाब दीजिए यहाँ पर, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए नंबर, थाईलैंड, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 से 4 नवंबर 2019 के मध्य कहाँ पर यात्रा किया था? तो आपकी थाईलैंड में किया था, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे, जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल 31 अक्टूबर से 2 नवंबर 2019 के मध्य किस देश की यात्रा पर रही थी? देख लीजिए, जर्मनी की चांसलर है एंजेला मार्केल और 31 अक्टूबर से 2 नवंबर 2019 के मध्य तक ये रही थी, आपके ऑप्शन राइट सी हो जाएगा, भारत की यात्रा पर रही थी, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है कि 29 अक्टूबर 2019 को रियाद में आयोजित तीसरे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के पूर्ण सत्र में भारत की तरफ से जो हिस्सा लिया था वो किसने लिया था? तो आपके प्रधानमंत्री जी ने ही लिया था, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2019 में किस देश के साथ भारत का रणनीतिक साझेदारी परिषद की स्थापना पर समझौता हुआ? तो रणनीतिक साझेदारी परिषद की स्थापना पर जो समझौता हुआ था भारत का, वो किसके साथ? तो ये हुआ था, 16 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, सी नंबर, सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब के साथ रणनीतिक साझेदारी परिषद की स्थापना पर समझौता हुआ। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2019 में इक्वाडोर ने वैश्विक संगठन ओपेक से बाहर होने का निर्णय लिया, यह निर्णय किस चीज से प्रभावी रहेगा? देख लीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, यह इक्वाडोर है और इक्वाडोर ने वैश्विक संगठन ओपेक, ठीक है, ओपेक से बाहर होने का निर्णय लिया है, और ये कब से? तो ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, 1 जनवरी 2020 से, 1 जनवरी 2020 से। अगला प्रश्न दिया गया है कि 13 से 14 नवंबर 2019 के मध्य ब्रिक्स देशों के 11वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यहाँ पर देख सकते हैं ब्रिक्स देशों के जो 11वां शिखर सम्मेलन हुआ है यह आपके कहाँ पर? तो ऑप्शन राइट 18 का हो जाएगा यहाँ पर, जो आपका ए नंबर है, ब्रासिलिया। ब्रासिलिया कहाँ पड़ता है? तो आपके ब्राज़ील में। तो ब्राज़ील में 11वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जो कि यहाँ पर ब्रिक्स देशों का, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है
कि अक्टूबर 2019 में वैश्विक स्पर्धा रिपोर्ट 2019 के तहत जारी सूचकांक में संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष पर कौन सा देश है। तो ये वैश्विक स्पर्धा जो प्रतिस्पर्धा जो रिपोर्ट है इसके तहत आपकी है सूचकांक में संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान पर जो देश आपका पहुंच चुका है ये आपका है सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर है। अगला प्रश्न है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में भारत किस स्थान पर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं 2019 की बात हो रही है और जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी नंबर, यहाँ पर 68वें स्थान पर रहा है। ठीक है, 68वें स्थान पर रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि अक्टूबर 2019 में किस देश ने 1 जनवरी 2020 से ओपेक की सदस्यता छोड़ने की घोषणा किया है 22 नंबर में। तो अभी आपने पढ़ा था कि 1 जनवरी 2020 से ओपेक की सदस्यता छोड़ने की घोषणा किसने किया था, आपके इक्वाडोर ने। ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2019 में जारी रिपोर्ट द इंटरनेशनल माइग्रेंट स्टॉक 2019 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का शीर्ष स्रोत कौन सा देश है। मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी हैं इनका शीर्ष जो आपका कह सकते हैं देश आपका रहा है वो आपका रहा है कौन सा, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा आपका भारत। ठीक है, ये आपकी रिपोर्ट है आपके इंटरनेशनल माइग्रेंट स्टॉक। ठीक है, इसके अनुसार है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी हैं तो आप कह सकते हैं भारत में यहाँ पर है। ठीक है, सी नंबर। अगला प्रश्न पूछा गया है कि द इंटरनेशनल माइग्रेंट स्टॉक 2019 के आंकड़ों के अनुसार भारत आने वाले प्रवासियों में सर्वाधिक योगदान किस देश का है, अर्थात भारत में जो प्रवासी आए हैं तो सबसे ज़्यादा प्रवासी किस देश से यहाँ पर आए हैं, तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर आपके बांग्लादेश से। ठीक है, बांग्लादेश से ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 की सूची में शीर्ष 5 देशों की रैंकिंग का सही क्रम बताइए। यहाँ पर देखो नवाचार सूचकांक की बात कर रहा है और नवाचार सूचकांक की रिपोर्ट में जो आपका है कौन सा, ऑप्शन 3 नंबर स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, नीदरलैंड, यूके। बिल्कुल से रट लीजिएगा, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, नीदरलैंड और यूके, ये वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 की सूची में आपके शीर्ष रैंक पर रहे हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2018 में भारत की रैंकिंग 57 थी। याद रखिएगा, फोकस करिए, 2018 में 57 थी, तो 2019 में ये रैंकिंग क्या रही है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर 52। ठीक है, पहले 57 थी लेकिन 2019 में यहाँ पर कितनी हो गई है, 52 हो गई है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्लूमबर्ग वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 में शामिल 60 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में दक्षिण कोरिया को शीर्ष स्थान प्राप्त होने के साथ भारत को पहली बार इस सूची में स्थान मिला है और इस सूचकांक में भारत कौन सा है। तो याद रखिए ब्लूमबर्ग वैश्विक नवाचार है, कई प्रकार की ये निकालती संस्थाएँ, तो इसमें से 60 बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ जिनकी होती उनको इसमें शामिल किया जाता है। इसमें शीर्ष स्थान दक्षिण कोरिया को यहाँ पर प्राप्त हुआ है और इसमें पहली बार भारत को भी शामिल किया गया है और इस सूचकांक में भारत को जो स्थान रहा है वो कौन सा रहा है, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर 27 का जो आपका बी नंबर है 54 नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, 54। अगला प्रश्न पूछा गया है 23 जुलाई 2019 को बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे, वो किस पार्टी के नेता थे। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर 28 का ए नंबर, कंजर्वेटिव पार्टी के थे आपके बोरिस जॉनसन जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे आपके। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि जुलाई 2019 में जारी विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की स्थिति 2019 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में 820 मिलियन से अधिक लोग भुखमरी की स्थिति में, इसमें एशिया में भुखमरी के शिकार लोगों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर एशिया की बात किया है तो एशिया में आपके हैं आपके 513.9 मिलियन, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है जुलाई 2019 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अर्थात ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला विश्व का 76वां देश, देखिए जो आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में जो हस्ताक्षर किया है 76 नंबर का देश वो आपका देश बन चुका है पलाऊ। कौन सा देश है, तो आपका पलाऊ देश है, ये आपके ISA पर कह सकते हैं कि हस्ताक्षर करने वाला ये बन गया है पलाऊ। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है कि
कि 31 जुलाई 2019 में किस देश ने वर्ष 2020 से प्रस्थान उड़ानों पर ग्रीन टैक्स इको टैक्स लगाने का निर्णय लिया है। मतलब जो उड़ानें हैं इनमें से ग्रीन टैक्स अर्थात जिसको इको टैक्स बोलते हैं ये लगाने का जो निर्णय लिया है ये आपके किस देश ने लिया है, तो याद रखिए ये देश है आपका फ्रांस। फ्रांस है जो उड़ानें होती हैं उन पर टैक्स लिया जाएगा जो को ईके टैक्स कहलाएगा, इको टैक्स कहलाएगा या ग्रीन टैक्स कहलाएगा, और ये जो आपका है कौन, तो आपका फ्रांस है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने करंट अफेयर 2019 के पढ़े थे। देखो 2019 के करंट अफेयर थे तो भाई 2019 के ही मिलेंगे, पॉपुलर करंट अफेयर हैं। और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर थे, कैसे थे अंतर्राष्ट्रीय, तो अंतर्राष्ट्रीय सिर्फ आपको इतने ही पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ पर 2020 के करंट अफेयर आपको हमारे दूसरे चैनल ऑनलाइन एग्जाम मिशन में मिलेंगे, या कह सकते हैं इसी चैनल में बने रहिए, आपको मास्टर वीडियो यहाँ पर मिल जाएगा करंट अफेयर 2020 का। ठीक है, तो अब आपको यूपी के पढ़ना है, लेकिन यूपी का मास्टर वीडियो हमने बना दिया है, आप ऊपर बिल्कुल से प्रोफाइल पे जाइए वहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पढ़ने का तरीका समझ लीजिए कि यहाँ पर यूपी आज कैसे पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम आपका थोड़ा सा लेवल का हो रहने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रमुख अवलोकन में जो आपका पूछा जाता है बहुत क्वेश्चन, इत्मादुद्दौला का मकबरा कहाँ पर है, तो ये अकबरा जो मकबरा है आपकी कहाँ पर, आगरा में है, आगरा में। ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो एक डिजाइन होती है मुगलों की, ठीक है, मुगलों की एक डिजाइन होती है, उस डिजाइन में बनाया जाने वाला जो मकबरा था वो आपका इत्मादुद्दौला का मकबरा था, जिसमें से कह सकते हैं रंगीन कांचों का प्रयोग हुआ था। ठीक है, अगला है कि बुलंद दरवाजा कहाँ पर है, तो फतेहपुर सीकरी में है। अटाला मस्जिद, अटाला मस्जिद आपके कहाँ पर है, तो आपके जौनपुर में है, सरकी शासक ने बनवाया था। ठीक है, अगला है कि अल्फ्रेड पार्क जो आपके है वो आपके प्रयागराज में है, लेकिन इसका जो नाम है वो आपका चंद्रशेखर आजाद पार्क हो चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न है अशोक स्तंभ, तो अशोक स्तंभ कहाँ पर है, आपके सारनाथ वाराणसी में है। अगले प्रश्न को आते हैं जो कि थोड़े से परिचय की बार देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाता है कि राजधानी, तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। अगर राजनीतिक की राजधानी बात करें, देखिए यहाँ पर जो राजधानी है वो आपकी लखनऊ है। ठीक है, और यहाँ पर एक राजधानी और पूछी जाती है, कौन सी, न्यायिक राजधानी। ठीक है, न्यायिक राजधानी, ये तो राजनीतिक राजधानी है। ठीक है, न्यायिक राजधानी आपकी है वो आपकी इलाहाबाद है। ठीक है, प्रयागराज। और अगर पूछा जाए कि जो इकोनॉमिक्स की दृष्टि से, इकोनॉमिक्स की दृष्टि से वो आपकी कानपुर हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो 240,928 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है जो कि आपके उत्तर प्रदेश का, उसमें से पूरे भारत के हिसाब से देखा जाए तो 7.33% आपका क्षेत्रफल आपकी यूपी में है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान, तो देखो चौथा स्थान है, पहला राजस्थान का, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा स्थान आपका आता है उत्तर प्रदेश का। अगर बात करें सीमावर्ती देश या अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा बनाता है वो देश आपका कौन है, तो नेपाल देश है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है आपके उत्तर प्रदेश के साथ। ठीक है, अगला बात करें कि सर्वाधिक राज्यों की स्पर्श करने वाला राज्य कौन है, तो सर्वाधिक राज्यों की स्पर्श करता है आपका सोनभद्र। ठीक है, सोनभद्र चार राज्यों को स्पर्श करता है जो आपका सोनभद्र है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, सर्वाधिक वर्षा आपके गोरखपुर में, सबसे कम वर्षा आपके मथुरा में। प्रमुख नदियों की बात करें तो गंगा, यमुना, गोमती, रामगंगा, केन, बेतवा हैं। ठीक है, अगर बात करें देश में प्रथम स्थान किस चीज में, तो पशुधन के हिसाब में, दुग्ध उत्पादन में, गन्ना उत्पादन, आलू उत्पादन और रेल मार्गों में जो उत्तर प्रदेश है वो आपका प्रथम स्थान रखता है। आर्थिक संभाग की संख्या आपकी 4 है और नगरी ओम नगर समूह की संख्या बात करें तो 915 है। तहसील की बात करें 2017 के अकॉर्डिंग 350 है। नगर पंचायत आपकी 423 है। नगर निगम में सबसे महत्वपूर्ण है जो अभी 17वां नगर निगम बना है वो शाहजहाँपुर बना है, ये आपका पॉइंट काफ़ी अच्छा है, नगर निगम। ठीक है, 17 हो चुके हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करें तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या आपकी कितनी है, 6 है। ठीक है, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपका सबसे पुराना आपके यूपी का है, यूपी का। ठीक है, अगला है सबसे पूर्वी जिला, सबसे पूर्वी जिला आपका कौन सा है, बलिया है। सबसे पश्चिमी जिला तो आपका कौन सा है, तो शामली है जो कि सबसे पश्चिमी जिला है। ठीक है, और प्रदेश का पूर्व नाम क्या था, यहाँ से क्वेश्चन आपके काफ़ी बनते हैं आपके लेवल में, तो प्रदेश का पूर्व नाम क्या है, संयुक्त प्रांत था, जिसे यूनाइटेड प्रोविंस नाम दिया गया था।
ठीक है, और आपकी उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है कहाँ से कहाँ इसका विस्तार है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपकी अक्षांश के हिसाब से है, अक्षांश रेखाएं हमने आपको बताया था जो आपके पूर्व से पश्चिम की ओर होती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो स्थिति है वो 23° से 52° और 23° से 28° तक उत्तरी अक्षांश, और देशांतर की बात करें तो 77°30' से आपकी 84°39' तक आपकी हैं, ठीक है, आप जिस उत्तर प्रदेश हैं तो ये रेखाएं और ये रेखाएं की बात कर रहा है, ठीक है, ये देशांतर रेखाएं होती हैं और ये अक्षांश रेखाएं होती हैं, ठीक है। अगला है सीमावर्ती राज्य, सीमावर्ती राज्य में देख सकते हैं उत्तराखंड तो आपका है, नेपाल जो आपका कह सकते हैं कि ये जो आपका है एक अंतर्राष्ट्रीय है, ठीक है, और बात करें वहाँ पर कि उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, पूर्व में अगर बात करें तो आपका बिहार झारखंड, पश्चिम में हरियाणा दिल्ली राजस्थान, दक्षिण में आपका है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है। उच्च न्यायालय तो आपका कह सकते हैं उच्च न्यायालय कहाँ पर है आपके, तो आपके इलाहाबाद में है, ठीक है, या प्रयागराज कह सकते हैं। इसकी खंडपीठ कहाँ पर है, तो आपके लखनऊ में है। कुछ केस होते हैं जिनका सोल्यूशन आपके कह सकते हैं कि इनकी खंडपीठ में आपके होती हैं लखनऊ में, क्योंकि एक न्यायाधीश मतलब एक जो आपका कह सकते हैं कि न्यायालय है और पूरी तरीके से सभी को कवर नहीं कर सकता है, इसके कारण उसकी खंडपीठ उसकी दूसरी जगह स्थापित कर दी जाती है जिससे उसका भार कम हो जाता है, ठीक है। भाषा की बात करें तो पहली भाषा आपकी उत्तर प्रदेश की आपकी हिंदी है, दूसरी राज्य की भाषा जो आपकी है वो आपकी उर्दू है, ठीक है। संभाग कितने हैं, तो 18 हैं। जिले की बात करें तो 75 है। विधानमंडल आपकी द्विसदनात्मक है अर्थात विधानसभा है और आपकी विधान परिषद, ठीक है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या आपकी 403, ठीक है, और कह सकते एक इंग्लो इंडियन होता है ना। चलिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है, यहाँ पर जो 1857 के विद्रोह में प्रमुख जो व्यक्ति थे वो व्यक्ति के बारे में बहुत पूछता है एग्जाम में, तो आपके देखो बेगम हजरत महल बहुत पूछा गया कि 1857 में एक महिला थी बेगम हजरत महल, इन्होंने अपना योगदान दिया था कहाँ से, तो आपके लखनऊ से, ठीक है। इलाहाबाद से लियाकत अली थे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर से नाना साहब अजीमुल्ला, मथुरा से आपके थे देवी सिंह, मेरठ से थे आपके कदम सिंह, कालपी से थे आपके तात्या टोपे, फैजाबाद से थे मौलवी मोहम्मद अली। इतने लोगों के बारे में आप पढ़ सकते हैं कि यूपी पढ़ रहे हैं और टेस्ट पेपर हम तो आपको करा ही दिए हैं, ठीक है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में जो आपके 1957 तक आपके अधिवेशन हुए थे, तो उसमें से एक अधिवेशन याद रखिएगा 1888 का अधिवेशन आपके इलाहाबाद में हुए थे, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने किया था, ठीक है, जॉर्ज यूले ने। इसकी मेन पॉइंट ये थी कि प्रथम बार कोई अंग्रेज अध्यक्षता किया था, ठीक है, प्रथम बार जो जॉर्ज यूले हैं ये पहले ऐसे थे जो अंग्रेज अध्यक्षता इसमें किया था, ठीक है। 1892 में इलाहाबाद में हुआ था, ब्योमेश चंद बनर्जी कह सकते हैं इसके अध्यक्ष रहे थे। 1899 में लखनऊ में हुए थे, रमेश चंद्र दत्त इसके अध्यक्ष थे और कांग्रेस के संविधान को स्वीकार किया गया था। 1905 में बनारस में यहाँ पर अधिवेशन हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे और नरम दल गरम दल के बीच जो अध्यक्ष और प्रिंस ऑफ विल्स के प्रस्ताव को लेकर यहाँ पर टकराव उत्पन्न हुए थे। अगला है 1910 में इलाहाबाद में फिर से, ठीक है, विलियम डेयर वर्ब बने थे इसमें। अगला 1916 बहुत पूछा जाता है, 1916 तो 1916 के जो अध्यक्षता किया था मतलब कह सकते हैं कि लखनऊ में हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, और इसमें से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था 1916 में, ठीक है। 1925 की बात करें तो 1925 का जो समझौता कह सकते हैं कि अध्यक्षता या कह सकते हैं इसका सम्मेलन हुआ था, तो इसकी बैठक आपकी कानपुर में हुई थी, सरोजिनी नायडू इसकी अध्यक्षता किया था। याद रखिए प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी जो कि कांग्रेस की आपकी ये बनी थी, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। अगला पॉइंट है आपका 1936 में फिर से लखनऊ में एक कह सकते हैं हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, जिसमें जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता किया था और नेहरू ने प्रथम बार वैज्ञानिक और आर्थिक अर्थों के व्याख्या की थी। 1946 में मेरठ में हुआ था, जीवी कृपलानी कह सकते हैं इसके क्या थे, तो अध्यक्ष थे, ठीक है। भारत आज़ादी के समय जो अध्यक्ष थे वो आपके जीवी कृपलानी थे, ठीक है। ये कुछ पॉइंट आपके थे, कुछ पॉइंट और आपको पढ़ना है। राजकीय जैन संग्रहालय जो आपका है कहाँ पर, तो आपके मथुरा में है। लट्ठमार होली कहाँ होती है, तो बरसाना मथुरा में होती है। तुलसीदास जन्मस्थली कहाँ पर है, तो राजपुर जो आपके चित्रकूट है। जेके मंदिर की बात करें तो आपकी कहाँ पर है, कानपुर में है, ठीक है।
प्रमुख अवलोकन में देखे जाए तो भीतर गांव मंदिर आपका है कानपुर देहात में, जो कि कह सकते हैं गुप्त काल में ईंटों द्वारा बनाया गया आपका मंदिर था भीतर गांव, ठीक है, कानपुर देहात में है। अतरंजी खेड़ा में कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता से कुछ आपके कह सकते हैं अवशेष मिले थे जो कि आपके एटा में पड़ते हैं, ठीक है। पटना पश्चिम बिहार जो कि आपके कहाँ पर है, एटा में है, पटना मतलब लगा दीजिएगा, पटना पश्चिम बिहार एटा में है। लाख बहुसी पश्चिम बिहार आपके कन्नौज में है। देवी पाटन जो आपके बलरामपुर में है, ठीक है, बलरामपुर। अगला है प्रमुख अवलोकन में देखें तो दुधवा नेशनल पार्क जो कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र यहाँ पर राष्ट्रीय पार्क था, तो दुधवा नेशनल पार्क आपके लखीमपुर खीरी में है। देवबंद जो आपका कहाँ पड़ता है तो आपके सहारनपुर से है, यहाँ से काफ़ी चीज़ें आपको प्राप्त हुई हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर आपके ललितपुर में पड़ता है। कलिंजर का किला आपके बांदा में है। सुराहताल पश्चिम बिहार आपके बलिया में है। कार्नवालिस का मकबरा कहाँ पर है तो कार्नवालिस का मकबरा आपके गाजीपुर में है, याद रखिएगा। समस्तपुर पश्चिम बिहार कहाँ पर है तो आपके रायबरेली में है, ठीक है, रायबरेली में है, ये पॉइंट आपको याद करने वाली है। नवाबगंज पश्चिम बिहार जो कि कह सकते हैं आपके देख सकते हैं कहाँ पर, तो आपके यहाँ पर उन्नाव में है, ठीक है। और कुंभ मेला 2019 का कहाँ हुआ था तो इलाहाबाद में। काला हिरण जो आरक्षित वन है तो इलाहाबाद में जो मेजा वन है वहाँ पर मिलता है। सराय नहर राय जो आपका है प्रतापगढ़ में। महदहा जो आपके प्रतापगढ़ में, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे हमने यहाँ पर टेस्ट पेपर आपके कह सकते हैं यूपी जीके के हमने करवाया है, मास्टर वीडियो हो गया है। तो हमको ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा थोड़ा अगर आप यहाँ पर बेसिक पढ़ लेंगे, इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो एग्ज़ाम के समय ये काम आएंगे। वैसे हमने प्लेलिस्ट बना दिया है जहाँ पर यूपी जीके के लगभग हमने क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए 10 से 12 पार्ट, और इसके बाद उसका मास्टर वीडियो भी बना दिए हैं, पूछे हुए प्रश्नों को बना दिया है। तो यूपी जीके कहीं ना कहीं हमने कंप्लीट करा दिया है। कल के पेपर में, कल के क्वेश्चन में आपको कह सकते हैं यूपी के भी करंट अफेयर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो डेली के डेली टेस्ट लगाते रहिए। टाइम टेबल हमने आपको बता दिया है कि यहाँ पर सुबह 7 बजे इस पर आपकी करंट अफेयर और यूपी जीके, ठीक है, और यूपी करंट अफेयर भी होगी। 10 बजे आपको अगली क्लास जो आपकी होनी है 10 बजे से होनी है सामान्य अध्ययन की। शाम 5 बजे हिंदी होती है, 9 बजे जीके होती है। दूसरे चैनल में आपको 11 बजे आज हिंदी की मास्टर वीडियो मिलेगी जो कि आदित्य पब्लिकेशन के द्वारा आपके जो हैं, ठीक है। तो लगातार यहाँ पर तैयारी करते रहिए, हम आपके साथ हैं। और एग्ज़ाम के समय आप लोग भी सक्रिय होते हैं तो हम भी यहाँ पर एग्ज़ाम के समय एक्टिव हो जाते हैं, अपने दोनों चैनल के माध्यम से आपका एग्ज़ाम क्रैक कराने की उम्मीद रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिलेबस ख़त्म कर दें जब आपका एडमिट कार्ड आता है तब, क्योंकि जब एडमिट कार्ड आता है तभी आप लोग पढ़ते हैं, फिर हमको भी पढ़ाने में मज़ा आता है जब आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो मिलते रहिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे पीडीएफ भी मिलेंगी और जो सूचनाएं हैं वो भी मिलेंगी और लिंक भी आपको मिल जाएगी ताकि नोटिफिकेशन अगर नहीं आता है तो मिल सकते हैं, ठीक है ना। आज की वीडियो इतने ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।